स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पार्ट 7 के अंदर ये तीन क्वेश्चन लेकर आए आप लोगों के लिए, जो आपके सेट बी के अंदर 55th, 57th और 58th क्वेश्चन थे। अब इनको हमें बच्चों सॉल्व करना है। तो हाउ मेनी डिफरेंट परम्यूटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन। अब बच्चों, क्वेश्चन जब पेपर में आ जाता है और जब बुक के अंदर होता है तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये बच्चे मुझे बता रहे थे, सर वहाँ कुछ प्रेशर अलग होता है। तो बिल्कुल आई एम एग्री विद यू। तो पहला ये वर्ड है बच्चों परम्यूटेशन। डिफरेंट परम्यूटेशन कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो सभी को यूज़ करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल लेटर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो ये तो 11 फैक्टोरियल हो गया। एप्पल वर्ड आप जानते ही हैं। तो आप देख रहे हैं टी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो ये भी आपको पता चल गया कि परम्यूटेशन के अंदर टी एक ही बार रिपीट होता है। अब इसको बच्चों सॉल्व करना है और ये सब इंटीजर के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने जो किया हुआ है काम, 11 × 10 और ये आपका क्या लिखा जा सकता है, 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6, कहाँ तक चलेगा ये, 3 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, 3 तक, ठीक है। अब इसका आप जब आंसर निकालेंगे तो आपको कैलकुलेट तो पक्की बात है करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो 2 को चाहे ना भी करो तो 5 फैक्टोरियल आप लोगों को मालूम है 120 होता है, और फिर 6 करते हैं तो 720 हो जाता है। तो इस तरह ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से ये फर्स्ट ऑप्शन ठीक होनी चाहिए, लेकिन ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये आपको कुछ याद भी होना चाहिए कि 10 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है और कैसे सॉल्व करते हैं, और आंसर इसका इंटीजर ही आएगा। और दिस इज द परफेक्ट कि 11 × 2 होगा, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोड के ऊपर। मोड को देख के बच्चे डर जाते हैं और वो सोचते हैं शायद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो और बताओ कि मुझे कैसे सॉल्व करेंगे। अब वो ये कहता है, ये इक्वेशन दे रखी है मोड x-3 का होल स्क्वायर प्लस मोड x-3-2, द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स। इसके जितने भी रूट्स हैं वो सारे निकालने हैं। क्वाड्रेटिक में तो देख के पता चल जाता है कि उसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये और तरह की इक्वेशन है। तो अब इसको सॉल्व करना है बच्चों हमें। तो कैसे सॉल्व करें, तो सबसे बड़ी ईजी बात तो यहाँ ये नज़र आ रही है कि x-3 को हम y ले लेते हैं, तो y² + y-2 = 0। इस इक्वेशन को हम बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर शीज द चार्य फार्मूला, और उसके अलावा इस वहाँ पर हमें जल्दी जल्दी करना होता है तो +2y - y, और इसको ये y कॉमन लिया, y + 2 - 1 y + 2 = 0। तो एक हमारे पास y = -2 आ गया और एक y = 1 आ गया, लेकिन y जो था वो आपका x-3 था, और इधर x-3 जो है 1 के इक्वल है। अब बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात ये है, मोड x-3, आप एनालिसिस बहुत अच्छी तरह जानते हो, ये वी शेप का ग्राफ होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, और ये लाइन y = -2 इधर है, तो ये दोनों कहीं पे इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये तो रिजेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर बच्चों मोड x-3 = 1 है, तो x-3 = +-1 होगा, तो x-3 = 1 और x-3 = -1, तो x = 4 आ गया, और x = -1 + 3, तो x = 2। तो ये 2 रूट्स आए, और दोनों ही रूट्स क्या हैं, हमारे रियल हैं। यदि इन दोनों का सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। और देखने में तो बहुत मोड देखती बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं थी, तो इसे बिल्कुल सिंपली इसी तरह सॉल्व करना था। आपने मोड x-3 को क्या ले लिया, वाई, और मोड x-3 आपका -2 हो नहीं सकता, ये मैंने आपको बता दिया ग्राफ से, वो y-2 है, वो मोड x-3 है। अब बच्चों 58 क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में भी बात करते हैं। 58 क्वेश्चन में बच्चों वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लॉग को इन्वॉल्व कर दिया, तो बच्चा देख के लॉग को डर जाता है, और साथ में कह दिया मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो आप लोगों को मालूम है कि इसके जब रूट्स रियल होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यदि ये CBSE का पेपर हो
तो आप इसको बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सब चीज़ें लिखना जो है आपके लिए टाइम वेस्टेज, और पेन और साथ में आपका पेपर भी, पेज भी कम दिया जाता है इसे यूज़ करना होता है। तो सॉल्व करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट ये आपका 16 आ गया, 4 इंटू 1 ये भी माइनस है, लॉग बेस 3p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 16 प्लस 4 लॉग बेस 3p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 बेस लॉग 3p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16। अब बच्चे यहाँ पर गलती कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ये आपकी वैल्यू जो आ गई वो आपकी माइनस 4 आ गई, लेकिन मैंने 4 से डिवाइड किया है, आपका माइनस से डिवाइड नहीं किया है, तो लॉग बेस 3p इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 4। अब आप लोगों को मालूम होगा कि 2 क्यूब इक्वल टू 8 है, तो लॉग बेस 2 8 इक्वल टू 3 लिखा जाता है, ये बात आप लोगों को मालूम है या नहीं, ठीक है। और एक छोटी सी बात हो याद रखना कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, तो ये साइन जो है पी का इसी तरफ ही रहना चाहिए, तभी की बात बन पाएगी। तो पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 4, ये बेस था बच्चों 2, ठीक है, बेस लिख दिया, और ये जो इधर साइड पे था वो इसके ऊपर आ गया, तो ये जो एंगल है आर्गूमेंट वो पी आ गया, ठीक है। तो पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 टू द पावर 4, और 3 टू द पावर 4 जो है बच्चों आपको मालूम है 81 होता है, तो इसका मतलब ये थर्ड च्वाइस इज अवर एब्सोल्युटली, हमारी यही च्वाइस होगी, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू भी आ गई, उसने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पूछ लिया, और बाकी आपकी नॉलेज चेक हो गई, तो इस तरह ये 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। थैंक यू वेरी मच।